साथी हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है क्वेश्चन और कमेंट में भी भेज। ठीक है, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हमने लिखा नोइंग नथिंग अबाउट द मशीन ही सॉट आवर हेल्प। The new employee knowing nothing about the machine the manager made me asked me to help him। अभी दो सेंटेंस देखिए, हमने यहां पे एक मेन स्टेटमेंट लिखा, ये हमारा मेन स्टेटमेंट, ही सॉट आवर हेल्प, ये है मेन स्टेटमेंट। ठीक, और द मैनेजर आस्क्ड मी टू हेल्प हिम, ये हो गया हमारा मेन स्टेटमेंट। उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है ना सेंटेंस का, आप ध्यान से देखिए, कोई क्लॉज नहीं है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स उसमें मिसिंग है तो हम उसे क्लॉज नहीं कह सकते, ये फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। अब इन दोनों फ्रेजेस में आप देखेंगे तो एक डिफरेंस पाएंगे। क्या पाएंगे? यहां पर जो हमने वर्ब लिखी है नॉन फाइनाइट नोइंग, और यहां पर भी वर्ब लिखी है Knowing, non-finite verb। इस verb का जो subject है knowing non-finite verb भले ही हो, but इसको भी subject और reference आई होगा। और यहाँ पर जो हमने main verb लिखी है sought, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने main verb लिखी है sought, उसी तरीके से यहाँ पर हमने main verb लिखी है help। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी main verb का subject है वही हमारी non-finite verb का भी subject और reference है। दोनों का subject और reference जो है वो ही है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ये जो नोइंग हमने वर्ब लिखी ना, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है द न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, इस फ्रेज का अपना खुद का सब्जेक्ट है, और ये जो हमारा मेन स्टेटमेंट है उसकी वर्ब का सब्जेक्ट है द मैनेजर। एक मिनट बच्चों, क्या वॉल्यूम बढ़ाना है बच्चे? एक मिनट, वॉल्यूम वैसे मैक्सिमम पर है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करने से माइक के भले ही फर्क पड़े। ठीक है, बाकी आप एक बार अपने डिवाइस में भी वॉल्यूम बढ़ा के देखना। चलिए, तो अभी यहां पर क्या समझना है सबको, ये जो दो हमने फ्रेजेस लिखी हैं, इनमें दोनों में लिखी गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल है, ये तो पता ही होगा, ये भी पार्टिसिपल है और ये भी पार्टिसिपल है। ठीक, अब ये वाली जो फ्रेज है जिसमें उसका अपना खुद का सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट फ्रेज। अब क्या नाम है आपका बच्चे? अमित। हाँ अमित, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज का एक्सप्लेनेशन हो गया कि जो आप जानना चाह रहे थे कि एब्सोल्यूट फ्रेजेस क्या होती हैं। तो ऐसी पार्टिसिपल फ्रेजेस जिनका अपना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है उन्हें हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेजेस। ठीक है, और बाकी जो फ्रेजेस
जिनका सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है वो मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है, वो उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, उनको हम सिंपल पार्टिसिपल फ्रेजेस कहते हैं। तो अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज ऐसी हो जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और रेफरेंस हो, उसका सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है वो मेन स्टेटमेंट में ना हो, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब वो डिपेंड नहीं कर रही अपने सब्जेक्ट और रेफरेंस के लिए मेन स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका आंसर। एक एग्जांपल में एब्सोल्यूट फ्रेज का और लिख देता हूं, द सन हैविंग रिजन ही लेफ्ट बेड, सूर्य उगने के बाद वो जग गया। The guests, being tired, he arranged for some beds. ठीक है, अब जैसे हमने यहां पे लिखा, तो अब देखिए ये जो हमारा मेन स्टेटमेंट है उसका अपना सब्जेक्ट है लेफ्ट बेड। मेन स्टेटमेंट का तो खैर हमेशा ही अपना होता है, इसका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर ही है, यहां पर ही है। लेकिन जो हमने फ्रेज लिखी है उस फ्रेज में जो हमने पार्टिसिपल वर्ब्स यूज किए हैं, आप ध्यान से देखो, उनका अपना खुद का सब्जेक्ट है, यहां पे द सन है, यहां पे द गेस्ट है। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट फ्रेजेस। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट फ्रेजेस, ठीक है अमित। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो और क्या क्वेश्चन है, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये अपने साथी हैं पूछ रहे हैं, हालांकि पता नहीं है क्वेश्चन क्यों पूछना पड़ रहा है आने वाले, वैसे तो ये पता होना चाहिए, नहीं तो आने वाली क्लासेज में हम लोग डिस्कस भी करेंगे।